गाजा समूह के इजराइल पर बढ़ते हवाई हमलों ने नेतन्याहू की निगरानी को बढ़ा दिया है। ये संकट लगातार इजराइल के खिलाफ विकराल रूप ले रहा है। हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमलों से उत्तरी इजराइल धधक रहा है। दक्षिणी लेबनान से लगातार छोड़े जा रहे यूएवी ने इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हिजबुल्ला टोही निगरानी और यहां तक कि इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ हमले के लिए यूएवी का उपयोग कर जबरदस्त तबाही मचा रहा है। इन मानव रहित विमानों के इस्तेमाल ने इजराइल के लिए चिंता बढ़ा दी है। इजरायली मीडिया आउटलेट चैनल 13 ने बताया है कि हिजबुल्ला के ड्रोन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। ये वह अबूझ पहेली बन गए हैं जो इजरायल के लिए बड़ा खतरा है। हिजबुल्ला के एक तरफा हमले वाले ड्रोन इजरायली लक्ष्यों को प्रभावित कर रहे हैं। सीधे सटीक हमलों ने इजरायल में काफी नुकसान पहुंचाया है। लेबनान से आ रहे लड़ाकू ड्रोन इजरायली सेना के लिए आफत बन गए हैं। इजरायल के दुनिया में टॉप क्लास आयरन डोम सिस्टम और लड़ाकू विमान हिजबुल्ला के ड्रोनों को काबू करने में विफल रहे हैं। चैनल 13 ने खुलासा किया कि गाजा पर युद्ध शुरू होने के बाद से उत्तरी इजरायल की ओर 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। वहीं इसराइल के उत्तरी कमान के पूर्व कमांडर योसी पैलेड ने इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन 11 को बताया कि उत्तरी मोर्चे पर घटनाक्रम हिजबुल्ला के लिए एक उल्लेखनीय रणनीति जीत है। फिलिस्तीन के समर्थन में हिजबुल्ला के सैन्य अभियान ने उत्तरी इजरायली चौकियों से 1000 बसने वालों को निकालने के लिए मजबूर किया, जबकि इसराइल की मिलिट्री साइटों को रोजाना सीधे हमलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिरोध की कई रणनीतियां, खासतौर से हिजबुल्ला की मानव रहित वायु सेवा का इसराइल के पास कोई माकूल जवाब नहीं है। वहीं इजरायली मिलिट्री साइटों पर हिजबुल्ला के मानव रहित हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। लेबनान की ओर से हाल में एक तरफा हमलावर ड्रोनों के झुंड ने वेलोन बेस को निशाना बनाया। ये बेस दक्षिणी लेबनान से इजरायली वापसी लाइन से 15.5 किलोमीटर दूर रोश पीना में दक्षिण में है। ये वो इलाका है जिस पर पिछले कुछ दिनों में कई हमले हुए हैं। विस्फोटकों से लदे ड्रोनों ने बेस में इजरायली बलों के ठिकानों और आवासीय इलाकों को निशाना बनाया। हिजबुल्ला की सैन्य यूनिट ने बताया कि वेलोन बेस में 210वीं डिवीजन के तहत सेवारत कई इजरायली बटालियों का मुख्यालय है, जो सीरियाई मोर्चे पर कब्जे वाले गोलन में ऑपरेशन के साथ साथ भंडारण सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि उत्तरी मोर्चे पर इस तरह के हमले लगभग रोजाना की घटना हो गए हैं। ड्रोन के अपने लक्ष्यों पर झुंड बनाने के अनगिनत वीडियो सामने भी आते हैं, जबकि महंगी इजरायली वायु रक्षा मिसाइलें और लड़ाकू जेट आने वाले हमलों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रिपोर्ट में हिजबुल्ला को मिडिल ईस्ट में सबसे खतरनाक संगठन बताया गया है, जो इजरायल के लिए बड़ा गंभीर खतरा बना हुआ है। इसके अलावा चेतावनी भी दी गई है कि संघर्ष के हालात में हवाई अड्डों और बंदरगाहों समेत इजरायली बुनियादी ढांचों का खतरा होगा। इससे उत्तर में नियंत्रण हासिल करने का इजरायल का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, जिससे इजरायल को भौतिक और मानवीय दोनों मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना होगा। बता दें कि हिजबुल्ला के ड्रोन गाइडेड हथियारों से लैस होने के अलावा इजरायली सैन्य अभियानों, रणनीतिक स्थानों और संवेदनशील बुनियादी ढांचे पर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हिजबुल्ला के ड्रोन अक्सर छोटे और फुर्तीले होते हैं, जिसमें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पता लगाना और रोकना मुश्किल हो जाता है।